वी वेलकम यू ऑल टू द मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी, और मुझे यकीन है कि एक साल के बाद आप सभी की ट्रेनिंग पूरी होने पर यू ऑल विल बी द बेस्ट ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग यू विल बी अंडर द चार्ज ऑफ अ बेस्ट ऑफिसर मेजर अभिमन्यु। अगले एक साल तक आप मेजर अभिमन्यु को रिपोर्ट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट जेंटलमैन, जय हिंद। अटेंशन सर, लेफ्ट टर्न। वहां सेकंड फाइल में जो थर्ड कैडेट है, जरा बाहर आएंगे। अबाउट टर्न। थर्ड फाइल फर्स्ट कैडेट स्टेप आउट। लेफ्ट टर्न। गॉड प्लीज सेव मी सर। वो थर्ड फाइल में फोर्थ बंदा आपने मिस कर दिया। अरे छुपे रुस्तम, बाहर निकलो। काश तुम लोगों ने मेरी बात मान ली होती। मत मारो मत मारो कह रहा था। नाउ टेल मी, पैर पर अटैक किसने किया? मार पर मार, मार तो डन। आजा अपना पैर पकड़। अब ग्राउंड के 100 राउंड मार, चल निकल। शोल्डर पे किसने मारा था? विदेशी लड़कियों को छेड़ेगा? नीचे बैठ, जंप 100 राउंड्स, निकल। तुम लोग में एक स्टंट मास्टर था ना, जो एकदम रोल वोल करके फाइट कर रहा था। ब्रो रोल करके मार। उसने मारा। आजा भाई, मंदिर में भक्त ऐसे रोल करते हैं। 100 परिक्रमा लगाई है। तथास्तु। सर मैं तो सिर्फ देख रहा था। अरे आप तो फाइट कोऑर्डिनेटर थे ना। होल्ड हिम, इधर से कर्सिट मैन, अभी तेरा गर्मी निकालता है। ठीक ठाक किया ना? तेरे लिए कुछ स्पेशल सोचा है। इस कैंप में 200 आर्मी के लोग हैं। हर एक को तू सुबह सुबह गुड नाइट विश करेगा, दोपहर को गुड इवनिंग विश करेगा, और रात को सोने से पहले गुड मॉर्निंग कहेगा। सब टाइम गलत है सर। तेरा टाइम भी गलत है। चल बोल। गुड नाइट मेजर। सिर्फ आज नहीं, पूरे साल करना है। व्हाट? निकल। गुड नाइट मेजर। बॉयज इट्स 4 AM, वेक अप। आर यू रेडी फॉर द ट्रेनिंग? गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। सो इन द फर्स्ट सेक्शन क्या लिखा है? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? सर मैं वो हाय। हे मामा, ये किसकी बच्ची है? घर में नर्सरी खोल दी क्या? सीधा कॉलेज खोलूंगा, बेबी सिटिंग कर रहा हूँ। अच्छा? पड़ोसी की बच्ची है। मतलब बात लीक हो गई कि तुम बेरोजगार हो। हाय बेबी। बहुत बुरा हुआ इस Hello. बच्ची के साथ। इसके पापा गुरुमूर्ति ने बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया। क्या कह रहे हो मामा? इस शहर के हर घर में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, हर चीज होती है, और ये सब चीजें आती कहाँ से है? क्रेडिट कार्ड के EMI पर। गुरुमूर्ति ने भी यही किया। लोन चुकाने से उसे मरना आसान लगा। इसकी माँ इंश्योरेंस का पैसा लेने गई है। एक सेकंड पकड़, मेरी सीटी बज गई है। आ जाओ बेटा। तुम्हारी मम्मी आती होगी बेटा। शादी हो जाती तो मेरी ऐसी सीटी नहीं बजती। रोते नहीं बेटा, मम्मी आती होगी, वो तुम्हारे लिए कुछ एक्सक्यूज में ही होगी। गुरुमूर्ति का घर कौन सा है? अगला फ्लैट है, उस पे तो ताला लगा है। हाँ आती होगी। हाँ मैं वही हूँ सर, वो सुसाइड केस वाला गुरुमूर्ति। अरे बहुत टेंशन हो गया है। ठीक है ठीक है। हाँ मैं ऑफिस में आके मिलता हूँ। हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। मैडम आप गुरुमूर्ति जी की मिसेस हैं? जी हाँ, कहिए। ओहो, अरे मैं कितनी बार फोन करूं, तुमको फोन उठाने को होता नहीं है क्या? नहीं। या पति ने मरते टाइम बोला था कि लोन वाले का फोन उठाना मत? लोन लेते समय तो बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हो। ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? EMI भरने को होता नहीं है? घर लोन पे, कार लोन पे, गाँव में कोई प्रॉपर्टी है क्या?
नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लोन लेने में मजा आ रहा था क्या? प्लीज चिल्लाइए मत। तो क्या पूजा करूँ? मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए। मुझे टाइम देने से क्या होगा, तेरा पति लौट आएगा, कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और तू भी मर जाएगी तो लोन कौन चुकाएगा? मेरी बात। चल दरवाजा खोल। बोली गाय बन के खड़ी है मेरे सामने। मामा जरा ऐसे पकड़ना, मैं अभी क्या हुआ बात कर लेना। ऐसे मुंह लटकाने से कर्जा उतर जाएगा। अब दरवाजा खोल। अरे कौन है तू? मुझे क्यों मार रहा है? अरे मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये काम है, ये काम है। हमारे देश में 5-6 बैंक से करोड़ों का लोन लेके विजय मालिया फॉरेन में ऐश कर रहा है। उससे मांगा था कभी? छोटा बिजनेसमैन, ऑटो चलाने वाला, नौकरी करने वाले लोगों से एजुकेशन लोन बोल के गरीब स्टूडेंट्स को लूटते हो? धमकी देगा। देख, अपने लोन का अमाउंट मांगना गलत नहीं है, लेकिन दिन रात फोन करके घर पे आके बदतमीजी करना, गुंडागर्दी करना आदत बन गई है तुम जैसों की। ए, तू जानता है मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, फिर से तेरा मनहूस चेहरा इस एरिया में कहीं दिखा ना, 4 गोली भेजे में उतार दूंगा। चल निकल। मेरी बाइक। बाइक मेरी। बाइक उठाने का बहुत शौक है ना? सर जाता कि फैक्स है? सर क्या तरीका है? खुद पे कंट्रोल नहीं है क्या? भूल गए तुम एक मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिसर हो और तुम्हें प्रोटोकॉल से चलना होगा। शुक्र मनाओ किसी ने तुम्हारी मारपीट का वीडियो नहीं बनाया। क्यों इतने जज्बाती हो जाते हो? वो मामूली सा सब इंस्पेक्टर मुझसे सवाल कर रहा है। फैक्स से तुम्हारी फोटो और कंप्लेन भेजी है। आई एम रियली सॉरी सर। इस साल की तुम्हारी ये 7वीं सॉरी है। यू मे बी फिजिकली फिट बट साइकोलॉजिकली यू आर टोटली अनफिट। मैं तुम्हें 6 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। इतने टाइम में गवर्नमेंट ऑथराइज्ड साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करो, एंगर मैनेजमेंट सेशन कंप्लीट करो, फिट होने का सर्टिफिकेट इश्यू करवाओ, उसके बाद ही तुम्हें एकेडमी में वापस एंट्री मिलेगी। गॉट इट सर? माय डिसीजन इज फाइनल, डिसमिस। मेरे लिए एक मामी ढूंढ दो। क्यों? वरना ऐसे ही पागलखाने में एडमिट करना पड़ेगा मुझे। अंदर तो चल, बहुत मामी मिलेंगी। जी हाँ, आप कल 7 बजे आ सकते हैं। हाउ आर यू? आई लव यू। ओके, अपने भांजे को कह रहा हूँ। ये लोग कौन है? फोन कट। इनका अपॉइंटमेंट लिया है क्या? गुड नेम सर? अभिमन्यु। डॉक्टर रति देवी अभी आई नहीं है, आप वेट कीजिए। रति देवी जरूर, ये 1950 की कोई विंटेज मॉडल होगी, देख ले। बस मिलना ही तो है। स्ट्रेंज साउंड कमिंग कहां से? सर एक्सक्यूज मी सर, लिवर में पेन हो रहा है, सुसु आ रही है, किसी से मार खा के आए हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है मुझे। डेढ़ पसली का इंसान पहले जोर से बोलना तो सीख ले। तेरे साथ पुश्तों में से किसी ने गुस्सा नहीं किया होगा। मुझे शेंडी लगा रहा है। मैं डेढ़ पसली लगता हूँ, मैं डेढ़ पसली लगता हूँ, तो क्या मैं इंसान नहीं हुआ? देखिए भाई सब, चिल्लाइए मत, भरभरा के गिर जाएंगे। तू सुल्तान जैसा फिट है, मैं टीबी का मरीज हूँ, तू 100 साल जिएगा, मैं कल कब्र में जाऊंगा, यही कहना चाह रहा है तू? मिट्टी के खिलौने से भी नाजुक हैं आप, ज्यादा हिलेंगे तो बिखर जाएंगे। मैं कोई खिलौना हूँ? जो हिलूंगा तो बिखर जाऊंगा। तुझे मैं अपनी पावर दिखाता हूँ आज। शांत हो जाइए सर। मैं तुझे चीर डालूंगा, मैं तुझे फाड़ डालूंगा। तुझे पता नहीं है मेरा साहब 3 किलो का हाथ है, और एक बार ये हाथ उठ गया तो इंसान उठता नहीं है, उठ जाता है जैसे टूट गया। इसे सनी के सारे डायलॉग याद है। कंट्रोल। क्या भांजे, मैं तो आधे घंटे में पागल हो गया, तू भला 6 हफ्ते यहाँ कैसे रुकेगा? कोई पागल यहाँ 6 हफ्ते तक रुकेगा? काउंटर पे जाइए, अगले 6 हफ्ते के फॉर्म एक साथ लाइए, डॉक्टर एक ही झटके में सब पे साइन करेगी। कहीं तो मजाक तो नहीं कर रहा? 6 हफ्ते की छुट्टी लेने वाला हूँ। ला दे। ये कौन है? रति देवी। और कौन? विंटेज मॉडल। डॉक्टर इसका नाम अभिमन्यु है, और आपको इसका गुस्सा शांत करना है। लगता है कन्फ्यूज है। डॉक्टर इसका नाम अभिमन्यु है, बात बात पे गुस्सा करता है, आपको इसे ठीक करना है। डॉक्टर झाड़ना पोछना छोड़ो, पेशेंट को जाओ यहां से, काम करने दो। ये एंटीक पीस तो बाई निकली, चल बैठ जा, चल। सफाई तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत बड़ी डॉक्टर है। मैडम यहाँ 2 मेंटल पेशेंट्स आए हैं, लगता है झटका देकर ही ठीक करना होगा। अरे बाप रे, नाम सुन के लगा पुराने जमाने का टेलीग्राम होगी, पर ये तो लेटेस्ट स्टाइल की इंस्टाग्राम निकली। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। भांजे तेरी मामी मिल गई। आप में अभिमन्यु कौन है? जो आपके सामने बैठा है, 6 फुट का हट्टा कट्टा गबरू। हेलो अभिमन्यु, आप अपनी सारी रिपोर्ट्स लाए हैं? स्कूल या कॉलेज, किसका रिपोर्ट कार्ड चाहिए?
लगता है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इंस्टेंट कॉफी से फास्ट। सर थोड़ा आगे आइए। टेल मी डियर रति, शायद आप नर्वस जल्दी हो जाते हैं। आपको कैसे पता? मुझे इसका इलाज भी पता है। इलाज कैसा? मेरी मेड ने बिजली के झटके देने की राय दी है। इनडायरेक्टली ये मुझे बाहर मिलने के लिए कह रही है। तो अभी तक यहाँ क्यों रुके हो? थैंक यू, मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। पेड़ के नीचे चाय की टपरी पर। कम फास्ट, डोंट बी स्लो। तो बताओ अभिमन्यु, आपको किन बातों पे गुस्सा आता है? अन्याय होते देखता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है मुझे, और वो लोग जो अन्याय का तमाशा जिंदा लाश की तरह देखते हैं ना, उन्हें मैं कोमा पेशेंट कहता हूँ। और तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा भूलकर कोमा पेशेंट बन जाऊँ? मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अन्याय देख के गुस्सा करना गलत नहीं, लेकिन उसे मारना गलत था। क्या सही है और क्या गलत है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं नहीं कह रही कि गलत है, आपके ऑफिसर को गलत लगा और इसीलिए आपको मेरे पास भेजा। सीनियर ऑफिसर तो बोलेंगे ही ना, कोई चॉइस नहीं है, ये बस एक फॉर्मेलिटी है, और यहाँ आना मेरी मजबूरी, मेरे पास भी ऑप्शन नहीं है, ये भी एक फॉर्मेलिटी है। ये मेरे 6 हफ्ते के फॉर्म्स हैं, ये भी एक फॉर्मेलिटी है, तुम बस इन पर साइन कर दो, ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जब सब कुछ फॉर्मेलिटी ही है तो अभिमन्यु, बिना आपकी मेंटल हेल्थ चेक के ये पेपर्स में साइन नहीं कर सकती। मैं मेंटल दिखता हूँ बाहर बैठे पागल के जैसा? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पर आपकी हरकतों से वही लग रहा है। ए, तुम्हें लाइफ का एक्सपीरियंस है ही कितना, क्या देखा है लाइफ में? किताब के 4 पन्ने पढ़ लिए तो क्या मेरी लाइफ पढ़ ली तुमने? मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स का अंदाजा है? मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस जानते हो तुम? तुम मुझे चेक कर ही नहीं सकती हो, चुपचाप पेपर्स पर साइन करो। तुम एक अच्छे ट्रेनर हो, अपने कैडेट्स को अच्छे ऑफिसर बनाते हो, अभी तेरी इंसान भी ठीक ठाक हो, लेकिन गलत बातों पर रिएक्ट करते हो। इस वक्त गुस्सा मुझे भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं, तुम्हारी एकेडमी नहीं कि मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं। अगले 6 हफ्तों तक मेरे पास कॉलेज स्टूडेंट की तरह आना, फिर मैं इसमें पक्का साइन कर दूंगी। जिस दिन भी तुम 1 घंटा बिना गुस्सा किए बात करोगे, मैं इस फॉर्म पे साइन कर दूंगी। अच्छे स्टूडेंट की तरह डेली अटेंडेंस देना। इसे रखो, जब भी गुस्सा आए इसे दबाना और 10 तक की गिनती करना, गुस्सा भाग जाएगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।